हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज का हमारा वीडियो है भाई परसेंटेज कंपोजिशन एंड स्टोइकियोमेट्री के ऊपर। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री के ऊपर। और आज का ये वीडियो भाई स्पेशली क्लास 11 केमिस्ट्री के लिए है। ओके, तो चलिए चालू करते हैं आज के इस वीडियो को। और ये हमारा सम बेसिक कंसेप्ट का लास्ट पार्ट है। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उन्हें देख लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर ढंग से अंडरस्टैंड हो जाए, यानी कि ढंग से समझ में आ जाए। तो भाई पहला पार्ट चालू करते हैं अपना परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन में हम चालू करते हैं भाई, सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले भाई परसेंटेज कंपोजिशन को पढ़ने से पहले हमें इंट्रोडक्शन चाहिए। कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। इसलिए हम सबसे पहले भाई परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। ओके, तो भाई बहुत पहले से हम डील करते आ रहे हैं और हमें पता है कि एक सैंपल के अंदर किसी भी कंपाउंड के, किसी भी मैटर के सैंपल के अंदर बहुत सारी एंटिटीज होती हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब भाई उन्हें पता कैसे लगाया जाए कि उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं। तो उसके लिए भाई हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन का सिस्टम चलाते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन, इसलिए परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये है कि हमें उसका परसेंटेज निकालना होता है, उस चीज का परसेंटेज निकालना होता है, उस सॉल्यूशन में से या फिर उस कंपाउंड में से उस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना होता है। ठीक है, एलिमेंट का परसेंटेज निकालना होता है। तो जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इस कंपाउंड के अंदर इतना एलिमेंट ये वाला है, इतना एलिमेंट ये वाला है। और अगर हमें भाई एक नया सैंपल दे दिया, कोई उठा करके आपको सैंपल दे दिया, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या उठेगा? पहला क्वेश्चन आपका उठेगा कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई इसके अंदर क्या क्या है, ये किस किस से बना हुआ है, ठीक है, और क्या रेशियो है उनका। और हम उसी तरीके से प्योर सैंपल से उसको रिलेट करेंगे, है ना, प्योर सैंपल से उसे रिलेट करेंगे, क्योंकि सबके अंदर सेम होता है, सबके अंदर सेम होता है। तो अब भाई एग्जांपल देखते हैं H2O का। H2O के अंदर के हम कंसिस्टेंट निकालेंगे, ठीक है, H2O के अंदर के कंसिस्टेंसी निकालेंगे। तो मास परसेंटेज चालू करते हैं, मास परसेंटेज से। तो मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, इसका भाई एक फॉर्मूला होता है, इसे हमें क्या कर लेना चाहिए भाई, डार्क कर लेना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि भाई मास परसेंट ऑफ एलिमेंट हमें निकालना है। मास परसेंट ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हमें उस एलिमेंट का मास लेना है, उसमें मल्टीप्लाई करना है 100 का, और अपॉन में उसका मोलर मास रखना है उस कंपाउंड का, ठीक है, उस कंपाउंड का मोलर मास रखना है। ऊपर क्या रखना है, एलिमेंट का मास, ठीक है, ऊपर रखना है एलिमेंट का मास, ठीक है। मोलर मास मान लीजिए हम बात कर रहे हैं वाटर की, पहले भी देख चुके हैं वाटर की बात करनी है, तो वाटर का जो मोलर मास होता है भाई 18.02 होता है, ठीक है, 18.02 होता है। अब हमें मास परसेंट निकालना हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन वाटर के अंदर कितने एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के दो एटम्स होते हैं, तो दो का मल्टीप्लाई किया हमने वन में, टू इंटू वन इंटू हंड्रेड अपॉन 18, तो हमारा आंसर आता है भाई 11.18, ठीक है, 11.18। फिर ऐसे ही हम ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालते हैं, इस तरीके से हम दोनों का मास परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर के, इस तरीके से हम बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर के मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है ये मास परसेंटेज निकालने का। अब बात करते हैं भाई इंपेरिकल फॉर्मूला की। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई जो एक इंपेरिकल फॉर्मूला होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को। मतलब कि जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा वेरियस एटम्स का किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट, उसे हम क्या कहेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला कहेंगे। सिंपलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर। और मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिकुलर फॉर्मूला दिखाता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, एग्जैक्ट नंबर दिखाता है वो बहुत सारे एटम्स का, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर दिखाता है। तो अब बात करी जाए जो मास परसेंट है बहुत सारे एलिमेंट्स का, वो एक कंपाउंड के अंदर कैसे नोन होता है, ठीक है, वो एक कंपाउंड के अंदर नोन होता है। अगर वो एक कंपाउंड के अंदर हमें पता है, मास परसेंटेज पता है, तो हम उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। और अगर हमें उसका मोलर मास पता है तो हम उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमें उसका मोलर मास पता है तो हम उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं।
तो भाई बात करी जाए कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी ने। अब इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एक कंपाउंड है, उसके अंदर 4.07% है हाइड्रोजन का, ठीक है, उसके अंदर 24.27% है कार्बन का और 71.65% है क्लोरीन का, ठीक है। उसका मोलर मास हमें पता है 98.96 ग्राम, ठीक है, मोलर मास हमें पता है 98.96 ग्राम। तो हमें निकालना है उसका भाई एम्पिरिशियल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला, एम्पिरिशियल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो सबसे पहला क्या काम करना है, इन स्टेप्स को नोट कर लीजिए भाई। पहला काम हमें ये करना है कि उसका उसके मास परसेंट को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, मास परसेंट को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है जो उसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स में हमें कन्वर्ट करना है उस मास परसेंटेज को। पहले हमने क्या किया, मास परसेंट को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर अब हम क्या कर रहे हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स पता कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पता कर रहे हैं। जो सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल आएंगे उसका डिवाइड तीनों में देना है, क्योंकि इधर तीन ही है तो जितने भी होंगे उनमें डिवाइड देना है, तो एक रेशियो आ जाएगा। रेशियो के आने के बाद हम आसानी से एम्पिरिशियल फॉर्मूला लिख सकते हैं, फिर उसके बाद हम मॉलिकुलर फॉर्मूला लिख लेंगे। तो ये सब चीज हम कैसे करेंगे, एक प्रोसेस है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले कन्वर्ट किया हमने मास परसेंट को ग्राम के अंदर, ठीक है। दूसरा स्टेप हमने क्या निकाला, कन्वर्ट किया नंबर ऑफ मोल्स को, सॉरी कन्वर्ट किया उस ग्राम्स को नंबर ऑफ मोल में। वो कैसे किया, हमने ऊपर रखा भाई जितने ग्राम थे हमारे पास और नीचे रखा उसका मोलर मास, तो आगे हमारे मोल्स नंबर आ गए, ठीक है। तीसरा काम हमने क्या किया, उनका सिंपलेस्ट रेशियो निकाला, ठीक है, उनका सिंपलेस्ट रेशियो निकाला। रेशियो निकालने के बाद एम्पिरिशियल फॉर्मूला बना दिया। एम्पिरिशियल फॉर्मूला बनाना कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, हमें पता है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और उसका रेशियो क्या है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप इधर देख करके अपने आप समझ जाएंगे। और पांचवा हमने काम किया कि उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखा। मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे लिखा, उसके हमें मोलर मास पता था। क्या पता था भाई, मोलर मास पता था। और अब हमें उसका एम्पिरिशियल फॉर्मूला पता है। एम्पिरिशियल फॉर्मूला हमने कैसे निकाला, एम्पिरिशियल फॉर्मूला हमने निकाला CH2Cl, ये जो हमारा कंपाउंड निकल करके आया इसका प्लस करके, तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर टू मोल्स हैं। तो टू का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे के अंदर टू का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इससे हमारा निकल करके हमारा प्रॉब्लम 1.2 सॉल्व हो गया। और इसी तरीके से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एम्पिरिशियल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला वाले। तो भाई पार्ट टू चालू होता है जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में भाई स्टोइकियोमेट्री किससे डेराइव होता है, स्टोइकियोमेट्री डेराइव होता है ग्रीक वर्ड से, कौन कौन से, स्टोइकियन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स, ठीक है, स्टोइकियन का मतलब होता है एलिमेंट्स। और दूसरा होता है मेट्रॉन का मतलब होता है मीजरिंग। तो जो स्टोइकियोमेट्री होता है ना, वो डील करता है कैलकुलेशन ऑफ मासेस, मासेस के कैलकुलेशन से। कभी कभी वो डील भी कर लेता है वॉल्यूम के कैलकुलेशन से। मतलब स्टोइकियोमेट्री के अंदर किसी भी एलिमेंट के मास का कैलकुलेशन हो सकता है, वॉल्यूम का कैलकुलेशन हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, रिएक्टेंट के अंदर हो सकता है, प्रोडक्ट के अंदर हो सकता है। तो भाई इस स्टोइकियोमेट्री को पढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात भाई हमारे सामने ये आती है कि हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, एक एग्जांपल लिया जिसमें क्या हो रहा है कि कम्बस्टन हो रहा है मीथेन का, किसका, मीथेन का कम्बस्टन होने के बाद हम एक बैलेंस इक्वेशन देख सकते हैं CH4 + 2O2 + CO2 + 2H2O। तो यहाँ पर क्या है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास मीथेन और डाइऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो हमारा प्रोडक्ट है। तो इधर जो सारी रिएक्टेंट्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो गैसेस हैं। वो हमें कैसे पता चल रहा है भाई, उसके लेटर जी से पता चल रहा है। तो एक इन्फॉर्मेशन जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन देता है, ठीक है, और दूसरी जो बात है अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स किस में दिखाएगा, छोटा एस बना देगा। लिक्विड्स की बात करते हैं तो छोटा एल बना देगा। इसी तरीके से
इसी तरीके से हमारा एक्वस के लिए एक क्यू बना देता है, ठीक है। तो जो कॉफिशियंट है 2 ऑक्सीजन के लिए और H2O के लिए, उसे हम स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशियंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई CH4 और CO2 के लिए एक एक कॉफिशियंट है, 1-1 कॉफिशियंट है, ठीक है। तो जो नंबर होता है ना मॉलिक्यूल्स का और मोल्स का, वो क्या करता है भाई, पार्ट लेता है रिएक्शन के अंदर, ठीक है, रिएक्शन के अंदर पार्ट लेता है। तो अगर हम बात करें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो हमें पता चलता है कि 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2। मतलब 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल CH4 का रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ, और देता है 1 मोल CO2 का 2 मोल H2O के, 1 मोल CO2 का 2 मोल H2O के। इसे ही हम दूसरी तरीके से बात करें तो भाई क्या है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, 1 मॉलिक्यूल CH4 का रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स से, और गिव क्या करता है, देता क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल देता है भाई CO2 का, और 2 मॉलिक्यूल देता है भाई हमारे H2O के, 2 मॉलिक्यूल देता है H2O के। अगर हम इसे वॉल्यूम के बेस पे बात करें तो मान लीजिए हमारे पास 22.7 लीटर हमारा CH4 है, ठीक है, 22.7 लीटर हमारा CH4 है, तो उसका दुगना कर दिया हमने, ठीक है, तो क्या हुआ 45.4 लीटर। तो अगर हमारा CH4 22.7 लीटर है, वो रिएक्ट करता है 45.4 लीटर ऑक्सीजन से, तो हमें मिलता है 22.7 लीटर CO2 और साथ ही साथ 45.4 लीटर H2O, ठीक है, 45.4 लीटर H2O। अगर भाई 16 ग्राम 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 into 32 ऑफ O2, मतलब 16 ग्राम CH4 का अगर रिएक्ट करे 2 into 32 यानी कि 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या देगा, तो वो देगा भाई हमारे पास 44 ग्राम ऑफ CO2 और 2 into 18 ग्राम ऑफ H2O, 2 into 18 ग्राम ऑफ H2O। तो भाई इस रिलेशनशिप से हमें क्या पता चलता है, मास मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड है। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पहले ही पता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। बात करनी है भाई लिमिटिंग रिएजेंट की, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि सेम अमाउंट में सब्सटेंस नहीं लिए जाते, कहीं पर हाई अमाउंट में लेते हैं, कहीं पर लो अमाउंट में लेते हैं। तो हमने सपोज किया कि यहाँ पर सेम अमाउंट में नहीं लिया गया है, तो भाई क्या होता है कि एक रिएक्टेंट हमारा ज्यादा अमाउंट में ज्यादा होता है, दूसरा रिएक्टेंट अमाउंट में कम होता है। एक रिएक्टेंट ज्यादा होता है, दूसरा रिएक्टेंट कम होता है। तो भाई जो रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है ना लीस्ट अमाउंट में, कम अमाउंट में, और जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है, वो कुछ टाइम बाद क्या करता है कि रिएक्शन को टेक प्लेस नहीं करने देता, रिएक्शन को होने नहीं देगा। तो क्या होगा, दूसरा जो रिएक्टेंट है उसके अमाउंट को कंट्रोल करेगा, ठीक है, उसके अमाउंट को कंट्रोल करेगा। मतलब दो रिएक्टेंट थे, एक ज्यादा का था, एक छोटा था, एक ये समझिए एक 5 लीटर का है, एक 2.5 लीटर का है, दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्शन करने के बाद ये जो छोटा वाला है रिएक्टेंट है, ये अब रिएक्शन होने नहीं देगा, क्योंकि अब ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, और अभी ये ढाई एम एल का बचा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अब ये क्या करेगा, ये वाला हमारा जो रिएक्टेंट है, इसके अमाउंट को कंट्रोल करेगा और इसे भी कंज्यूम करा देगा। जब ये दोनों कंज्यूम हो जाएंगे तो एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि नया प्रोडक्ट बनेगा, उधर ये रिएक्टेंट पहुंचाता है सप्लाई को, छोटा वाला रिएक्टेंट उधर लिमिट करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट कर देगा,
प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट कर देगा, ज्यादा नहीं बनने देगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं, जो लीस्ट अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, जो लीस्ट अमाउंट में हमारे पास होता है, उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट क्या कहते हैं, उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, तो भाई तो अब हमें बात करनी है रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, है ना, रिएक्शंस इन सॉल्यूशन की। इसके बीच में भाई दो प्रॉब्लम्स और पड़ती हैं, 1.4 और 1.5, आप उसे बुक से देख सकते हैं। ठीक है, बुक से आप उसे देख सकते हैं। और भाई एक बात मैं आपको कहूं, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर भाई बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है और ये अच्छे से समझ में नहीं आती, इसे ढंग से कीजिए। इसके क्वेश्चंस में कोशिश करूंगा, जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाऊंगा तो आपके लिए उसके लिए भी एक वीडियो, एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाऊं लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक है, अब बात करनी है मैं रिएक्शंस इन सॉल्यूशन की। ठीक है, रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस की, तो जो बहुत सारी हाँ रिएक्शंस होती हैं लेबोरेटरीज में, वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होती हैं, तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, क्या समझना, कि अमाउंट कितना सबस्टेंस का एक्सप्रेस किया जाए, अमाउंट कितना होना चाहिए सबस्टेंस का जब वो एक्सप्रेस्ड हो सॉल्यूशन की फॉर्म में, कितना अमाउंट होना चाहिए जब वो एक्सप्रेस्ड हो सॉल्यूशन की फॉर्म में। ठीक है, जब वो एक्सप्रेस्ड हो सॉल्यूशन की फॉर्म में, तो जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का या फिर अमाउंट होता है सबस्टेंस का, जो कि प्रेजेंट होता है वॉल्यूम में, वो एक्सप्रेस किया जा सकता है बहुत सारी फॉलोइंग वेज से। वो कौन कौन से हैं, मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो भाई प्रॉब्लम 1.3 आता है, इसे भी पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है ग्राम में। ठीक है, ग्राम में प्रोड्यूस्ड बाई कम्बस्टन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मिथेन, मिथेन का 16 ग्राम हमारा मिथेन क्या हो रहा है, 16 ग्राम हमारा कम्बस्ट हो रहा है। ठीक है, 16 ग्राम ऑफ मिथेन कम्बस्ट हो रहा है और हमें बताना है कि वाटर कितना बनेगा। बहुत ईजी है, आप एक बार ट्राई कीजिए और हो सके तो एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप इसे बाद में मिला सकें, पहले इसे ट्राई कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो भाई प्रॉब्लम 1.4 और 1.5 बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमें पता करना है मोल्स पता करने हैं मीथेन के, कितने रिक्वायर होंगे 20 ग्राम CO2 में। ठीक है, कितने रिक्वायर होंगे 20 ग्राम CO2 में। और दूसरा क्वेश्चन भाई हमारा 50 किलोग्राम हमारा नाइट्रोजन बर्न करता है 10 किलोग्राम ऑफ H2 के साथ। ठीक है, 10 किलोग्राम ऑफ H2 के साथ और बनाता है NH3, तो NH3 कितना होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, और इसके अंदर हमें लिमिटिंग रिएजेंट भी पता करना है। जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपका उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, अब बात करनी है भाई मास परसेंट की। ठीक है, मास परसेंट पर आते हैं, सीधे सीधे हमारा कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये भाई एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, मास परसेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, याद रखना कितने होते हैं भाई, दो होते हैं। हमें किसका निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट का रखना है, सॉल्यूट का जिसमें घुलाया जा रहा है। ठीक है, ना कि जिसमें घुल रहा है, जिसको घुलाया जा रहा है। ठीक है, जिसको घुलाया जा रहा है उसको रखना है हमें, मास ऑफ सॉल्यूट रखना है और अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन रखना है, इनटू में 100 कर देना। बहुत इजी है, प्रॉब्लम 1.6 देख लीजिए, इसी के बेसिस पर है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। अब भाई बात करनी है मोल फ्रैक्शन की। तो जब हम भाई मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक रेशियो होता है नंबर्स का, किस कौन से नंबर का, मोल्स के नंबर का ये रेशियो होता है टोटल नंबर ऑफ मोल से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल से, जस्ट सपोज ए डिसॉल्व इन सबस्टेंस बी, हमने सपोज करना है कि ए डिसॉल्व करता है सबस्टेंस बी में और मोल देता है, तो जो उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, सॉरी मोल देता नहीं, मोल जो उसके नंबर है, मोल्स के नंबर है वो है Na और Nb। तो हमें भाई उनका मोल फ्रैक्शन निकालना है,
तो भाई सबसे पहले मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला सुन लो। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन गिवन सॉल्यूशन नीचे आएगा। दोबारा से सुन लो, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्लैश सॉल्वेंट। ठीक है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, मोल ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में किसका मोल है भाई, सॉल्यूशन का मोल है, किसके मोल, सॉल्यूशन के मोल, अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से Na और Nb की फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। जैसे Na का निकालेंगे Na अपॉन Na प्लस Nb, Nb का निकालेंगे Na प्लस सॉरी Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो ये बहुत इजी सा कंसेप्ट है, मोल फ्रैक्शन बहुत इजी है इसका, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्लैश सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करनी है मोलैरिटी की, तो भाई ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है और इसे डिनोट किया जाता है भाई एम से, बिग एम, कैपिटल एम से इसे डिनोट किया जाता है। तो ये क्या होता है, इधर क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, मोल्स के नंबर को हम वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो इसका भाई फॉर्मूला बन जाएगा मोल अपॉन वॉल्यूम, आपकी फॉर्म में याद करने के लिए बता रहा हूं, मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल को हम क्या लिखेंगे, एन अपॉन वी, फॉर्मूला बन गया एम इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी, एम इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी। तो हमारे पास क्या है भाई, 1m है सॉल्यूशन, 1m सॉल्यूशन है किसका, 1m सॉल्यूशन है NaOH का, किसका भाई, NaOH का, और हमें प्रिपेयर करना है 0.2m सॉल्यूशन, 0.2m सॉल्यूशन। वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या है कि ये नीचे यहां पर आ जाए सीधे, तो हमको क्या करना होगा कि 1000 ml अपॉन 1 mole इंटू 0.2 करना होगा। ये हमें क्यों करना है, हमें भाई 0.2 निकालना है, 0.2 करना है, 0.2 करना है। ठीक है, तो भाई 1000 क्या हो गया, 1000 ml हमारा वॉल्यूम हो गया, मोलैरिटी हमारा कितना हो गया, 0.2 हमारी मोलैरिटी हो गई, अपॉन में 1 mole आ गया, अपॉन में 1 mole आ गया। ठीक है, यहाँ पर भाई थोड़ी सी गलती है, हाँ तो अब दोबारा से देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी भाई गलती थी हमारी कि हमें क्या करना है कि 0.2 मोल का एक सॉल्यूशन बनाना है, सॉरी 0.2 मोलैरिटी का एक सॉल्यूशन बनाना है, ना कि मोल का, किससे, 1 molarity के सॉल्यूशन से। ठीक है, 1 molarity के सॉल्यूशन से 0.2 molarity का एक सॉल्यूशन बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है, उसे बनाने में कुछ भी नहीं जाता हमारा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा 0.2 का, तो हमारा आ जाएगा भाई 200 ml सॉल्यूशन। तो 200 ml जो सॉल्यूशन आएगा, 200 ml सॉल्यूशन हमारा वॉल्यूम हो गया, 200 ml हमारा वॉल्यूम हो गया, उसका हम डिवाइड कर देंगे, सो शांति से हमारा मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, मोलैरिटी आ जाएगी, जो मोलैरिटी हमारी 0.2 आ जाएगी। तो बस यही है मोलैरिटी। अब सीधे बात करते हैं भाई मोलैलिटी की, ये जो मोलैलिटी होता है इसका भाई बहुत ज्यादा इजी है, जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का मास, ना कि सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, और मास और नंबर ऑफ मोल किसके हैं, सॉल्यूट के, ध्यान रखना नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूट के और मास है सॉल्वेंट का, नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूट के, मास है सॉल्वेंट का, इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से। ठीक है, तो बस इतना ही आज की इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और भाई आपको बहुत ज्यादा थैंक यू, आप यहाँ तक आए, लास्ट तक आए इस वीडियो को। और बस इतना ही हमारी आज की इस वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।